शिरकत करने के लिए। और अब जबकि शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है तो बाहर निकल रहे हैं अमित शाह और गाड़ी में वो सवार हो चुके हैं और अब उनका काफिला बाहर निकलते हुए, और हजारों की संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं। और अमित शाह के साथ सेल्फी लेते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह गृह मंत्री और अब पर जब अध्यक्ष जी आ गई है, दो दो मंत्री बने हैं मंत्रिमंडल में, अब जो नए चेहरे को शामिल किया गया, लगता है कि ये सरकार पिछली सरकार से कुछ बेहतर काम कर पाएगी? बिल्कुल अच्छा काम करेगी, और पिछले 5 वर्षों में अगर कुछ चीजें रह गई है तो वो सारी चीजें अभी पूरी होगी। आपने पूरे चुनाव अभियान को देखा है, रोजगार का मुद्दा इस चुनाव में रहा, आपने 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, क्या देश में आदरणीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत तैयार किया है, उस आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर बिहार ये जो घोषणा दी है, ये रोजगार तैयार करने वाली ही बात है कि जिसके माध्यम से निश्चित रूप से सरकार रोजगार देगी। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ हैं, धन्यवाद जी, कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बिहार की जनता को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं, और औराई की जनता को, क्योंकि इतनी भारी मतों से विजय बना जिसका परिणाम मुझे मिला। थैंक यू। हमारे साथ हैं रामप्रीत पासवान जी, इन्होंने मैथिल हम लोग मुख्यमंत्री सर, अरे आप हम ही को रोकिएगा। सुनील सुनील सर, बधाई आपको, अभी तो बिहार की जनता को क्या कहेंगे इस अवसर पर? बिहार की जनता ने काम करने का फिर अवसर दिया है, उनके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग सेवा करेंगे। सर कुछ नई चुनौती भी है क्या? जो भी रहेगा सबका सामना करते रहे। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ शब्दों में कहा कि बिहार की जनता ने जो दिया है हमें बहुमत, उसका हम पालन करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हैं बिजेंद्र प्रसाद यादव। सर कैसा रहेगा ये कार्यकाल? एक चुनौती है जो बिहार को विकसित करने का हम लोगों का कमिटमेंट है वो आगे बढ़ेगा, जो करते रहे वो आगे भी करते रहेंगे। कुछ लगता है कि अन्य जो कार्यकाल था उससे कुछ ही इतर होगा, कुछ जिस तरह से रोजगार के मुद्दे को उछाला? परिस्थिति और माहौल के अनुकूल निर्णय भी लिए जाते हैं, वो सब भी कार्यक्रम किए जाएंगे। थैंक यू। तो बिजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और ये मानते हैं कि जो सुशील मोदी जी हैं, हम क्या कहेंगे? आपने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या चुनौती है इस बार? एक शब्द क्या कहेंगे बिहार की जनता को? एक शब्द अगर कहें तो संतुष्ट करें। बधाई बधाई सर। इन सब लोगों का सरकार बनी है, बड़ी चुनौती है सबके। तो ये अशोक चौधरी जी हैं, सरकार के सामने जो चुनौती है उस चुनौती का सामना। आइए हम अन्य मंत्रियों से भी बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कहते हैं वो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो नई चुनौती आई है, नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हैं, उस चेहरे से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कृषि पर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा क्या? कुछ अभी अभी हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा प्रोगेटिव हमारे मुख्यमंत्री जी का है, क्या दें, जो चीज देंगे सब चीज की हम कर निश्चय। मेवालाल जी, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के कारण आपने कई, मेवालाल जी आप वाइस चांसलर रहते हुए जी जी काम किए थे, अब तो आप कैबिनेट के मंत्री हो गए। अब आप आगे देखिए क्या होता है, विकास करनी है, बताइए विकास करनी है राज्य को, एक विकसित राज्य बनाने के लिए जो भी करना होगा, जो भी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा मिलेगी हम लोग बखूबी उसको निभाएंगे। पहले आप योजना देते थे, मुख्यमंत्री उस पर अमल करते थे, अब इसकी जवाबदेही खुद आप पर है। अब आने दीजिए मौका, जो जैसा मुख्यमंत्री जी चाहेंगे हम लोग करेंगे। तो ये मेवालाल चौधरी जी हैं, आइए इन्होंने हमारे साथ उप मुख्यमंत्री रेणु जी हैं, क्या कहेंगे, एक बड़ी जवाबदेही आधी आबादी। देखिए आधी आबादी के साथ साथ पूरी आबादी की जिम्मेदारी हम सभी पर है, अपना तो संस्कार ही अर्धनागेश्वरी का, और अर्धनागेश्वरी के रूप में सब काम करना है, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, निश्चित रूप से हमारा सबका साथ सबका विकास होगा। रेणु जी ने पहले भी संगठन का विभाग राष्ट्रीय स्तर पर, अब मंत्री पद की जवाब दे, उसमें भी उप मुख्यमंत्री पर।
जी भैया, हम लोग कोशिश करेंगे बिहार का जितना विकास हो सकता है और महिलाओं का जितना विकास हो सकता है उसके लिए काम करेंगे। हमारे साथ है जीवेश मिश्रा, मैथिली में शपथ ली है और मिथिलांचल इस बार एनडीए सरकार के लिए एक तरह से कहिए कि वरदान साबित हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने मन बना रखा था, एनडीए को बहुमत मिली और मिथिलांचल के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो भूमिका जो रोल अदा किया उसके लिए मिथिला के लोगों को धन्यवाद देते हैं, जाले की महान जनता का आभार प्रकट करते हैं। मैथिली के रूप में आपने मैथिली से शपथ लिया, अहाँ पूछू ना, मैथिली में प्रश्न नहीं करे छी, पूछे छी सबटा बात हिंदी में आ कहे छी शपथ लो मैथिली में, पूछू मैथिली में की अहाँ मैथिली मैथिली मिथिला के जनता जय जय कह दिलकी एहि बेर के सरकार में और मिथिला के जनता के सरकारो जय जय कह के आशीर्वाद दिलकी। एक युवा के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व भेटल चुनाव में, मतलब युवा ही मुख्य रूप से मुद्दा रहे, 10 लाख रोजगार सरकारी, 19 लाख लोगों को कम, आप जीवेश जी की करता? पूर्णता सरकार में रहकर युवा के जे अपेक्षा छे ओकरा पूरा करे पर हम सब काज करबे मिलकर और निश्चित रूप से सरकार सब के उम्मीद पर खड़ा उतर। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि मिथिलांचल के जे स्थिति है बाढ़ सुखाड़ गरीबी, एक लगे थे कि एक निक रोड मैप बनते सबटा के सरकार ब्लू प्रिंट तैयार करके रखने छे, हम सब पर काज करबे और मिथिला चमकते यहाँ देखबे। बीजेपी पर जवाबदेही किस ज्यादा बढ़ गई है जी? निश्चित रूप से जवाबदेही के पूरा कर जाते। ये थे जीवेश मिश्र जी और पहली बार मंत्री बने हैं, युवा हैं, उत्साह भी है और जवाबदेही का एहसास भी, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं वो चेहरे भी ये महसूस करते हैं कि इस बार उनकी जवाबदेही बढ़ी है, उस जवाबदेही का वो निर्वहन करेंगे और पिछली सरकार की अपेक्षा यह सरकार कुछ बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। कैमरा